क्वेश्चन एक और आया हुआ है, किसी HPSC एग्ज़ाम में आया हुआ है। दैट इज़ हमें वेरिएंस ऑफ AX+PY की वैल्यू निकालनी है। ये इसका क्या वैल्यू होती है इफ़ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेरिएबल्स। ये तो हमें सीधा डायरेक्ट फार्मूला है कि वेरिएंस ऑफ AX+BY का क्या फार्मूला होता है। ये होता है ए स्क्वेयर वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वेयर वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2AB को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये फार्मूला होता है हमारा इफ़ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेरिएबल। बट अगर यही क्वेश्चन इसमें लिया होता कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन हमें पता है इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट होते हैं तो बिकॉज हमें पता है कोवेरियंस का हमारे पास ये फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। इफ़ इंडिपेंडेंट होता है देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये एज इट इज़ ये हमारा कैंसल हो जाएगा, तो कोवेरियंस की वैल्यू ज़ीरो होती है इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट। देफोर अगर ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, देफोर वेरियंस ऑफ AX+BY ये किसके इक्वल आएगी, हमारी ए स्क्वेयर वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वेयर वेरियंस ऑफ वाई। देफोर ये फार्मूला तब होता है इफ़ ए एंड बी आर इन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है कोई भी है तो जनरली ये फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। वो क्वेश्चन है इफ़ डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ जेड देन डेरीवेटिव डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ जेड मीन्स यू प्लस योटा वी देन डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की वैल्यू निकाली है हमने कार्टिजियन फॉर्म में। ये हमारा सीधा डायरेक्ट ये आर्टिकल है, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की वैल्यू इन कार्टिजियन फॉर्म में ये होती है यू एक्स प्लस एटा यू वाई, एंड इन पोलर फॉर्म में होती है आई थिंक ई दी पावर माइनस एटा यू आर प्लस एटा वी आर। यहाँ पे वी वाई आएगा आई थिंक। ठीक है, कि अगर W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस एटा वी हो देन डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इन कार्टीजियन फॉर्म में ये होता है यू एक्स प्लस एटा आई थिंक यू वाई नॉट, प्लीज़ चेक कर लेना इसको। एज इट इज़ डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इन पोलर फॉर्म में होता है हमारा ये। एज इट इज़ अगर हमें ये कह दे कि कॉशी इक्वेशन इन कार्टीजियन फॉर्म में क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, एंड अगर हमें यही कह दे ये पोलर फॉर्म में क्या होती है, देन इट इज़ इक्वल टू यू आर इज इक्वल टू वन ओवर आर वी थीटा एंड वी आर इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आर यू थीटा। ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब पक्का करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।